ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने नगनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के बेचे जाने के विरोध में 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर का एनएमडीसी इस्पात संयंत्र 100% मुनाफा देने वाला संयंत्र है। एनएमडीसी द्वारा नगनार में लगाए गए प्लांट को केंद्र की मोदी सरकार लोकार्पण के पहले अपने पूंजीपत पितरों के आप पहुंचाने बेचने का षड्यंत्र रच रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को बस्तर बंद का आह्वान किया है। आप सभी बस्तर के सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि कांग्रेस के महाबंद में आप अपनी भूमिका निभाएं और बस्तर वासी होने का फर्ज निभाएं और नरेंद्र मोदी जी को यह संदेश देने का प्रयास करें कि आपके निजीकरण के जो फैसले हैं उसके खिलाफ हम सब बस्तरवासी एकजुट हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए जो 100% प्रॉफिट में चल रहा है उसको भी निजीकरण का जो प्रयास कर रहे हैं उसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के आह्वान पर पूरे बस्तर महाबंद का ऐलान किया गया है और आज बस्तर का आदिवासी समाज, सर्व पिछड़ वर्ग समाज भी आज निजीकरण के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बस्तर का आम आदमी निजीकरण के फैसले के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी के फैसले खिलाफ है। पूरे बस्तर वासियों को ये समाचार है कि देश के प्रधानमंत्री बस्तर आ रहे हैं और बस्तर की जनता मोदी जी के कार्यकाल को देख रही है। एनएमडीसी स्टील प्लांट जो बस्तर के युवाओं का सपना था, बस्तर की जनता का सपना था, उसको विनिवेश करने की जो इनकी तैयारी है उसका बस्तर की जनता पुरजोर विरोध करती है और इसी परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करते हैं कि वो बस्तर आ रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।